शाम का समय था। खन्ना हाउस के हॉल में सिम्मी जी, संजीव जी, शारदा जी, प्रताप जी के साथ साथ मीरा की पूरी फैमिली, बुआ जी और विराज सब थे। तभी मीरा आई। उसने रेंट कर की सिंपल सी डिजाइनर साड़ी पहनी थी और व्हाइट ब्लाउज, बाल खुले हुए थे और हाथों में चाय का ट्रे लिए वो आ रही थी। उसके साथ ही वहां थी विशु। उसने ब्लू कलर का सूट और पजामा कैरी किया हुआ था। उसके हाथों में भी एक ट्रे थी। दोनों आई और सब कुछ चाय थी। मीरा शांत थी तो वहीं युवी की नजरें मीरा पर ही थी। युवी ने मन में ही कहा, वाहेगुरु, ये मेरे मीरू की खामोशी बता रही है। आज तो नील को माफी नहीं मिलने वाली, मदद करना बेचारे की। तभी मीरा ने उसे चाय दी। विराज ने अपनी प्यारी आवाज में कहा, बुई मुझे भी चाहिए। तो मीरा मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। मीरा ने विराज से कहा, अरे बच्चा, आपके लिए ना बुई ने स्पेशल चॉकलेट मिल्क शेक बनाया है। मीरा ट्रे में से एक ग्लास उठाकर विराज के पास आई और आकर सोफे पर बैठ गई। उसके बैठते ही विराज आकर उसकी गोद में बैठ गया। सब मुस्कुराते हुए उसे देखने लगे और मीरा विराज को मिल्क शेक पिलाने लगी। विशु भी मन में बड़बड़ाते हुए बोली, अब तो भगवान ही बचाया आज मेरे भाई को। और फिर विशु मीरा को देखने लगी। मीरा ने विराज को मिल्क शेक पिलाया तो वहीं बाकी सब ने चाय पीकर कप रखे। युवी बोला, मीरू। युवी बोलते बोलते रुक गया। मीरा ने झट से पूछा, क्या हुआ वीर जी? युवी ने बात पलटते हुए कहा, कुछ भी नहीं, और शांत हो गया। शांति जी मुस्कुराते हुए बोली, अब हम चलते हैं। अब खुराना फैमिली जाने लगी कि तभी विराज ने मीरा को चकर लिया। विराज जिद करते हुए बोला, नहीं नहीं, मुझे बुई के साथ रहना है। संजीव जी ने मुस्कुराते हुए विराज को गोद में ले लिया और कहा, हाँ तो हमारे साहबजादे आप यही रहिए। तो विराज ने भी मुस्कुराते हुए उनके गाल पर किस कर लिया। विराज ने बहुत मासूमियत से कहा, पल नानू, मुझे रात को मम्मा और पॉप्स के पास जाना होगा। उसकी बातें सुन सब मुस्कुरा उठे। संजीव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है। विराज खुश हो गया। उसके बाद मीरा अपने कमरे में चली गई। वहीं विराज बाकी सब बड़ों के साथ मस्ती करने लगा। दोनों परिवारों में सबका लाडला जो था, और हो भी क्यों ना, दोनों परिवारों में अभी यही तो था, एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा। मीरा कमरे में आई और आते ही नील की फोटो को घूरने लगी। मीरा ने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, आ जाओ तुम, तब बताती हूँ तुम्हें तुम्हें बड़े आए। मीरा ने अब खुद को शीशे में देखा। मीरा चिढ़ते हुए बोली, साड़ी अब पहनी ही नहीं है मैनू साड़ी वाड़ी। और कबर्ड में से कपड़े निकालकर वॉशरूम की तरफ चली गई। अपनी लूज टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए कुछ ही पलों बाद मीरा वॉशरूम से बाहर आई। मुंह बनाते हुए कमरे में ही बने नील के वर्करूम के अंदर आ गई। वहां नील के सामान के साथ साथ अब मीरा का सामान, यानी गिटार और उसकी म्यूजिकल की हेल्प में करने वाले बाकी सामान भी रखे हुए थे। मीरा सबको देख रही थी और फिर बाहर आकर उसने वर्करूम का दरवाजा बंद कर दिया। मीरा ने कहा, आज से नो म्यूजिक। वो इतना बोलकर चुपचाप आकर बेड पर बैठ गई। खुराना हाउस में सब आए और अपने अपने कमरे में चले गए। विशु भी युवी के साथ अपने कमरे में आ गई। युवी ने विशु से पूछा, युवी तुम्हें क्या लगता है? विशु अब किसी सोच में पड़ गई। युवी मुस्कुराने लगा और उसने हल्के से विशु के सर पर चपत लगाई। युवी ने फिर कहा, तेरा कभी कुछ नहीं हो सकता। युवी की बात सुनते ही विशु ने मुंह बना लिया और युवी को घूरते हुए बोली, पता है मुझे, पर मैं मीरू डार्लिंग और भाई की बात कर रही हूं। युवी ने विशु को समझाते हुए कहा, वही मतलब तू क्यों इतना सोच रही है, उन दोनों का पर्सनल मैटर है। विशु ने अब क्यूट सा फेस बना लिया। विशु ने युवी से कहा, ओफो मैं भी ना, अच्छा सुनो मैं चलती हूँ डिनर की तैयारी करने। विशु इतना बोलकर जाने लगी पर फिर पलट कर वापस आई और युवी के गाल पर किस करके चली गई। युवी उसकी हरकत पर मुस्कुराने लगा और बोला, झल्ली। विराज अब एकदम से बोला, नानू अब मुझे दल जाना है। विराज बोल ही रहा था कि उसकी नजर दरवाजे पर नील पर पड़ी। उसे देखते ही विराज उसकी ओर भागा। विराज बोला, मामू मामू मामू, और वो बोलते हुए नील की ओर भागने लगा। उसे देख नील झुका और उसने अपनी बाहें फैला दी तो विराज लिपट गया। तो नील ने उसे गोद में उठा लिया। नील मुस्कुराते हुए बोला, यस माय चैंप।
तो विराज ने उसकी गाल पर किस कर दिया। अगले ही पल वो नील के कान के पास चेहरा ले आया और फुसफुसाते हुए धीमे से बोला, मामू आज ना पूरी बहुत चाला गुच्छा है। नील विराज की बात सुनकर मुस्कुराया और उसी टोन में बोला, अच्छा आपको कैसे पता? विराज ने भी फुसफुसाते हुए कहा, ओहो मामू आप भी ना, मुझे तो सब पता होता है ना। तो उसकी माँ से उम्मीद भरी बातें सुनकर नील मुस्कुराया। नील भी उसी टोन में बोला, मेरे जाम को सब पता है। तो विराज खुश हो गया। तभी संजीव जी आए तो वो नील की गोद से उतर गया। विराज ने कहा, बाय मामू। नील ने कहा, बाय जाम। विराज चला गया तो नील अपने कमरे की ओर बढ़ गया। नील मन में बुदबुदाते हुए बोला, बाबा जी आज मेरे साथ क्या होगा, यह आप तो जानते ही होगे ना, तो बचा लेना प्लीज। मीरा कमरे में मुंह बनाए हुए बैठी थी, फिर वो उठकर खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। मीरा ने मन ही मन बोला, हाय रब्बा, देख रहे हो बाबा जी कितना बेकार इंसान है, और चुपचाप बाहर की ओर देखने लगी। तभी नील कमरे के दरवाजे तक आया, तभी उसकी नजरें मीरा पर गई। उसे शॉर्ट्स में देखकर नील मुस्कुराया। नील मन में बड़बड़ाते हुए बोला, आज तो मैं गया, और धीमे कदमों से कमरे में आ गया। मीरा अभी वैसे की वैसी खड़ी थी कि नील ने धीरे से उसकी कमर में हाथ डाला और उसे पीछे से ही हक कर लिया। नील के स्पर्श से पहले मीरा की आंखें बंद हो गई, पर अगले ही पल उसे अपना गुस्सा याद आया और वो नील से दूर हो गई। नील ने उसे फिर पकड़ लिया और उसके कंधे पर चेहरा टिकाते हुए बोला, आई एम सॉरी। नील की गर्म सांसें जैसे ही मीरा की गर्दन से टकराने लगी, मीरा की धड़कनें बढ़ गई, पर वो खुद को कंट्रोल करते हुए नील से दूर हो गए। नील बोला, अरे वाइफी सुनो तो। नील बोलते बोलते रुका क्योंकि मीरा उसे बड़े ही खतरनाक तरीके से घूर रही थी। मीरा बोली, तुम ना। मीरा गुस्से से इतना बोली और फिर मुंह बनाते हुए बोली, छड्डो मैनू बात ही नहीं करनी। नील ने मीरा की कलाई पकड़ी और अपनी ओर खींचते हुए कहा, ऐसे कैसे? मीरा की नजरें अब नील की आंखों पर ठहर गई तो नील ने उसकी कमर पर हाथ डाल उसे अपने और करीब कर लिया। मीरा की नजरें अभी नील की आंखों में थी तो नील ये देख मुस्कुराया। नील ने बहुत प्यार से कहा, आई एम सॉरी वाइफी। तो मीरा को ध्यान आया, वो इधर उधर देखने लगी। नील स्माइल करते हुए अभी मीरा को ही देख रहा था। नील ने मीरा को देखते हुए कहा, जस्ट लुक एट मी। पर मीरा मुंह बनाए हुए दूसरी तरफ ही देख रही थी। नील ने कहा, वाइफी। नील ने फिर बोलने की कोशिश की तो मीरा उसे घूरने लगी तो नील चुप हो गया। मीरा ने नील को झटकते हुए कहा, दूर दूर रहो मुझसे, और मीरा बाहर जाने लगी। नील ने बिना किसी भाव के कहा, ओके जाओ। मीरा ने पलटकर उसे घूरा और फिर वापस जाने लगी कि नील ने दरवाजा बंद कर लिया। नील ने मीरा को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, सॉरी ना, सच्ची बहुत अर्जेंट वर्क था, वरना मैं आता वहां। कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे कॉन्सर्ट में मैं ना पहुंचूं? मीरा थोड़ा इमोशनल हो गई और बोली, शट अप, तुम्हारे बिना मैं जा तक नहीं रही थी, पर तुमने कहा कि तुम आओगे इसीलिए मैं घर गई, पर तुम नहीं आए। मैं नहीं गा पा रही थी क्योंकि तुम नहीं थे। नील ने आगे बढ़कर मीरा को गले लगा लिया। नील ने कहा, आई नो, मैंने कोशिश की बट। नील ने बोलने की कोशिश की कि तभी मीरा उससे अलग हुए और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, नाउ नो मोर सिंगिंग, अब से म्यूजिक बंद। नील हैरान होकर उसे देखने लगा और मीरा मुंह बनाए हुए वहां से चली गई। नील ने कहा, पापा जी अब ये पता नहीं कैसे मानेगी। नील ने अपना सर झटका और वॉशरूम की ओर बढ़ गया। रात के डिनर के टाइम भी मीरा ने नील को इग्नोर किया और कुछ बोली नहीं। शारदा जी ने खाते हुए नील से पूछा, नील तू आया क्यों नहीं था? तो मीरा ने भी नील को घूरा। उसे खांसी आ गई तो संजीव जी ने पानी का ग्लास नील को पकड़ाया। नील पानी पीकर ग्लास रखते हुए बोला, वो नानी माँ कुछ ज्यादा जरूरी काम था। मीरा ने मुंह बना लिया। खुराना हाउस में रात के खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए तो विश्व सबको दूध देकर आई। अब वो बुआ जी के कमरे में आई तो उसने देखा बुआ जी बैठी हुई कुछ सोच रही थी। तभी विशु ने कहा, बुआ जी दूध।
बुआ जी बिना किसी भाव के बोली, रख दे कुड़िए। बिशु ने दूध का ग्लास टेबल पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, बुआ जी इन्ना किसे याद कर रही हो? बुआ जी चिढ़ गई और बोली, कुड़िए तेनू चैन नहीं आंदा मैनू परेशान किए बिना? तो विशु स्माइल करते हुए बोली, अरे बुआ जी आपको कौन परेशान करेगा, आप एक बार अपनी पे आई तो आप सबको। विशु की बात बीच में ही अटक गई तो बुआ जी उसे घूरने लगी और विशु भाग कर वहां से चली गई। बुआ जी बोली, पागल कुड़ी, और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इधर मीरा आज पहले ही कमरे में आ चुकी थी, वो आकर बालकनी में खड़ी हो गई। नील मुस्कुराते हुए उसके पास आया और वो मीरा के पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसके एहसास को मीरा ने महसूस कर लिया, वो कुछ नहीं बोली और वहां से जाने लगी। नील ने कहा, मीरा। नील के इतना कहते ही मीरा के कदम रुक गए। नील मुस्कुराते हुए उसके पीछे आया और उसके कानों के पास चेहरा ले जाते हुए धीमे से बोला, मेरे एक दिन ना होने से इतनी नाराज की। नील बोलते बोलते उसके होंठ मीरा के कान और गर्दन को छू रहे थे तो मीरा ने आंखें मूंद ली। नील फिर मुस्कुराया, उसने मीरा की गर्दन पर हल्के से किस किया। उसके होंठों के स्पर्श से मीरा की धड़कनें बढ़ गई। नील ने भी बिना कुछ किए मीरा को वैसे ही बाहों में भरा और उसके कंधे पर अपना चेहरा टिका दिया। नील ने मीरा को समझाया, तुम जानती हो ना मैं खुद कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, सच्ची बहुत जरूरी काम था, मुन्यू की इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी। तो मीरा ने मुंह बना लिया और कुछ नहीं बोली। मिशु कमरे में आई, युवी बैठा हुआ था और विराज उसकी गोद में बैठा हुआ था। विराज मासूमियत से युवी को देखते हुए बोला, पॉप्स मुझे निन्नी नहीं आ रही। तो युवी ने विराज को बेड पर लिटाया और उसके सर को सहलाने लगा। युवी ने बहुत प्यार से कहा, अब सो जाओ निन्नी आ जाएगी। पर विराज उठा और बेड पर खड़ा होकर युवी के गाल पर किस किया और वापस लेट गया। युवी को हंसी आ गई तो वहीं विशु भी ये देख मुस्कुरा उठी। युवी अब विराज को सुलाने लगा तो विशु आई और बहुत प्यार से उसने विराज को किस किया। वो सो चुका था। विशु ने धीरे से विराज को किस किया और कहा, मेरा बच्चा। युवी ने धीमे से कहा, तेरी तरह ही नौटंकी है। तो विशु युवी को देखने लगी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ तो मेरा बेटा है मेरी तरह ही होगा ना। नील अब भी मीरा को हक किए हुए था, उसका चेहरा मीरा के कंधे पर था लेकिन मीरा चुप थी। नील ने धीमे से कहा, कुछ बोलो भी। नील ने अपनी पकड़ ढीली की तो मीरा उससे दूर हो गई। मीरा बोली, तुम्हारे बिना नहीं होता है कुछ, मेरा ध्यान नहीं लग रहा था समझे तुम, और मैं तुम्हारे बिना खुद को। मीरा बोलते बोलते इमोशनल हो गई तो नील उसे देखने लगा। नील मीरा को देख रहा था तो मीरा मुंह बनाते हुए कमरे में आ गई। नील अब भी उसे देख रहा था। कमरे में आते ही मीरा आकर बेड पर लेट गई और उसने अपना मुंह ढक लिया। नील धीमे से खुद से बोला, गुस्सा तो तुम रह ही नहीं सकती, अभी 2 मिनट में खुद आओगी मेरे पास। फिर नील कुछ सोचकर मुस्कुराया। नील कमरे में आकर बेड पर जाने के बजाय काउच पर आकर लेट गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो जानबूझकर एक तरफ होकर लेटा था। मीरा अब भी जाग रही थी। जब नील उसे अपने पास महसूस नहीं हुआ तो उसने अपने मुंह से ब्लैंकेट हटाया। उसने देखा नील बेड पर नहीं था, तो फिर उसने वैसे ही बालकनी में देखा पर नील वहां भी नहीं था। तो मीरा मुंह बनाकर बैठ गई। तभी उसने देखा कि नील सोफे पर सोया हुआ था, उसकी आंखें बंद थी। मीरा चिढ़कर नील को कोसते हुए बोली, देख रहे बाबा जी कितना तुष्ट हो गया है ये, उसे पता है उसके बिना मुझे नींद नहीं आएगी तब भी सोफे पर जाकर सो गया, अखड़ू दुष्ट। मीरा थोड़े ही पल बाद मन में बोली, सोया तो नहीं है वो। और फिर मीरा उठकर नील के पास आ गई और आकर उसके पास ही लेट गई। काउच पर इतनी जगह थी कि दोनों आराम से लेटे हुए थे। मीरा की पॉकेट एफएम पर। नील ने बहुत ही धीमे से कहा, सॉरी। तो मीरा फिर मुस्कुरा उठी। उसने कुछ नहीं कहा तो नील दोबारा बोला, अब बोल भी दो माफ किया। मीरा ने एकदम से कहा, अच्छा तुम्हें कैसे पता? नील ने कहा, बस ऐसे ही। तो
मीरा ने फिर से स्माइल किया। नील ने मीरा की कमर पे रखा, अपना हाथ हटाया तो मीरा उठकर बैठ गई और नील भी उसके पास आकर बैठ गया। मीरा ने नील को घूरते हुए कहा, तुम ना अपनी वकालत को जरा दायरे में रखो। तो नील हैरान हो गया, वो अजीब नजरों से मीरा को देखने लगा। नील ने मुंह बनाते हुए कहा, तो क्या अब मैं काम छोड़ दूं? मीरा उसकी ओर देखने लगी। उसने अपने दोनों हाथ से नील की टी शर्ट पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचा। नील का चेहरा अब मीरा के चेहरे के एकदम करीब था। वो मीरा को देखने लगा तो मीरा उसे घूरते हुए बोली, वकील साहब मैंने ये नहीं कहा, पर तुम ना मेरी सौतन मत लाओ वरना देख लो तुम बचोगे नहीं। सौतन सुनते ही नील ने मुंह बना लिया। नील ने अजीब सा मुंह बनाए हुए कहा, व्हाट सौतन? तो मीरा नील को अपने और करीब करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हारे वक्त पर मेरा पूरा हक है और किसी को भी ये हक नहीं कि वो मेरा हक मुझसे छीने, तुम्हारे काम को भी नहीं। नील मीरा की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। नील ने मुस्कुराते हुए मीरा की ओर देखकर कहा, यू मीन मेरा काम तुम्हारी सौतन है? ये सुनते ही मीरा ने मुंह बना लिया। मीरा ने मुंह बनाते हुए कहा, और नहीं तो क्या, देखो तुम ना मेरे लिए कभी बिजी नहीं हो सकते, समझे तुम? मीरा ने नील को घूरा तो वो अभी स्माइल कर रहा था और मीरा अभी मुंह बनाए हुए थी। नील ने मीरा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। फिर नील ने बहुत प्यार से कहा, जस्ट लुक एट मी। तो मीरा नील की ओर देखने लगी। नील ने मीरा की ओर देखकर कहा, तुम्हारे लिए मैं कभी बिजी नहीं हो सकता, मैं सच में आ रहा था पर काम थोड़ा जरूरी था बस इसीलिए नहीं आ पाया। एंड यू डोंट वरी, तुम्हारे हक पर सिर्फ तुम्हारा हक है। नील की बातें सुन मीरा मुस्कुराई। मीरा को स्माइल करते देख नील ने राहत की सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड। मीरा ने कहा, याद रखना मिस्टर हस्बैंड। नील ने फिर मुस्कुराते हुए मीरा के हाथ पर किस किया। नील ने पूछा, मतलब अब तुम्हें मेरे प्यार पे शक हो रहा है? तो मीरा नील को घूरने लगी। फिर मीरा ने अपना हाथ नील से छुड़वा कर उसके हाथ को पकड़ लिया और उसके कंधे पर सर टिका दिया। तो नील मीरा को देखने लगा। मीरा ने वैसे ही नील के कंधे पर सर टिकाए हुए कहा, साधना बनो मत, मैं गुस्सा थी क्योंकि तुम नहीं आए थे और तुम्हारे बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर तुम्हारे प्यार पे कभी शक नहीं किया मैंने, समझे? नील ने झट से सवाल किया, मतलब अब नहीं हूं गुस्सा? मीरा ने भी ध्यान नहीं दिया और तुरंत बोली, नहीं हूं क्योंकि तुमसे नाराज। नील स्माइल करने लगा तो वहीं मीरा को ध्यान आया कि उसने क्या कह दिया। तो फिर मीरा ने नील के कंधे से अपना सर उठाकर नील की ओर देखा जो अभी भी स्माइल कर रहा था। मीरा ने नील को घूरते हुए कहा, ये वकालत गिरी मुझे मत दिखाया करो वकील साहब। नील ने इतना कहा, यार हद है, तुम तो आज जान लेकर मानोगी। तभी मीरा ने झट से नील के मुंह पर हाथ रख दिया। मीरा ने नील को देखा, फिर उसने नील के सीने पर से हाथ उठाकर अपना सर टिका दिया। मीरा ने कहा, उल्टी सीधी बातें मत किया करो, जानते हो ना तुम हो तो मैं हूं। मीरा की ये बातें सुनते ही नील ने मुस्कुराते हुए उसे बाहों में भर लिया। नील ने मीरा को चुप करवाते हुए कहा, नील ने फिर मीरा के सर पे प्यार से हाथ फेरा। मीरा ने मासूमियत से वैसे ही नील को हक किए हुए कहा, तुम आज नहीं आए तो पता है मैं कितना परेशान हो गई थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। नील ने कुछ बोलना चाहा पर वो कुछ बोल ना सका। मीरा इमोशनल होते हुए बोली, देखो तुम आगे से कभी ऐसा मत करना, एक तुम्हारा ही तो है जो मुझे मजबूत बनाता है। मीरा अब नील से अलग हुई तो नील ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नो यू आर इनफ फॉर योरसेल्फ। मीरा ने नील की आंखों में झांकते हुए कहा, आई एम नथिंग विदाउट यू, यू आर माई स्ट्रेंथ एंड दिस यू नो वेरी वेल मिस्टर हस्बैंड। मीरा की बातें सुन नील ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। नील ने कहा, यू नो व्हाट, तुम ना। नील बोलते बोलते रुक गया। मीरा ने उसे देखते हुए ही पूछा, मैं ना क्या, आगे बोलो। नील ने कहा, तुम ना सच में कुछ ज्यादा ही बदल गए हो। मीरा ने कहा, अयो रब्बा
मैनू तो नहीं लगता, बदल तो तुम रहे हो। बड़े आए। मेरा भड़क उठे तो नील हल्का सा हंसा, पर मेरा उसे घूरने लगे तो वो शांत हो गया। नील ने टाइम देखते हुए कहा, अच्छा छोड़ो, अब सो जाए, रात बहुत हो गई है। मीरा ने क्यूट सा मुंह बनाते हुए कहा, तो तुम ही आए यहां, इसीलिए मैं आ गई। मीरा उठने लगी, तभी नील ने उसकी कलाई पकड़ ली तो मीरा ने उसकी ओर देखा। नील बहुत प्यार से उसकी आंखों में देख रहा था। ये देख मीरा का दिल धड़क उठा। मीरा ने पूछा, क्या? मीरा आगे कुछ बोल दी कि तभी नील ने उसे अपने ऊपर खींच लिया। नील ने हल्की आवाज में कहा, मैं तो अभी यही हूं, तो तुम कहां चलती? मीरा नील को देखने लगी। नील ने उसे छोड़ा तो मीरा शर्मा गई। ये देख नील मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। नील ने सोफे पर लेटते हुए कहा, अरे मेरी पंजाबी कुड़ी, सोना नहीं है क्या? तो मीरा भी वहां आकर लेट गई। मीरा ने अपनी पीठ नील की ओर कर रखी थी और उसका सर नील के हाथ पर था। नील अब अपने दूसरे हाथ से उसके बालों पर हाथ फेरने लगा। मीरा ने बंद आंखों से ही कहा, गुड नाइट। नील मुस्कुराया और मीरा की तरफ झुककर मीरा के बालों पर किस किया और कहा, गुड नाइट। कुछ देर बाद मीरा सो गई। नील खुद में बोला, ये भी ना, बाबा जी आप बस इसे हमेशा खुश रखो, मैं तो बस इसे खुश देखकर खुश हो ही जाऊंगा। और सोते हुए मीरा को निहारने लगा। उसके चेहरे की मुस्कुराहट, उसकी सादगी, उसकी मासूमियत और सच्चा दिल नील को हमेशा अपनी तरफ खींच ही लेता था। और यही हुआ, मीरा को देखते हुए ही उसकी आंख लग गई। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें सीधा मीरा के मुंह पर पड़ने लगी। वो आंखें मसलते हुए उठी कि नजरें नील पर गई। उसे देखते ही मीरा मुस्कुराई। दोनों एक ही काउच पर बहुत करीब सो रहे थे। मीरा ने चहकते हुए कहा, गुड मॉर्निंग, और नील के गाल पर किस किया। नील की आंखें खुल गई। मीरा उठी और जाने लगी और नील उसे ही देख रहा था, तो मीरा रुकी और वहीं बैठ गई। नील अब भी लेटा हुआ था। मीरा को बैठा देख वो मुस्कुराते हुए उठकर बैठ गया। नील ने अपना एक हाथ मीरा के दाएं गाल पर रखा। उसका हाथ लगते ही मीरा ने एक पल को आंखें बंद कर ली। नील ने स्माइल करते हुए मीरा के माथे पर किस किया। नील ने बहुत ही प्यार से कहा, गुड मॉर्निंग। तो मीरा मुस्कुराने लगी। मीरा उठकर वॉशरूम की ओर चली गई तो वहीं नील ने किसी को कॉल किया और कहा, जी हाँ, ये केस पहली हियरिंग में ही खत्म हो जाएगी। जी मैं अब 3 दिन बाद मिलता हूँ आपसे। नील ने इतना कहकर कॉल कट कर दिया। मीरा नीचे आई, वो सबके लिए चाय नाश्ता बनाने लगी। सब अभी भी कमरे में ही थे कि तभी नील नीचे आया। उसने मीरा को देखा जो कि अपने काम में लगी हुई थी। नील मुस्कुराया और उसकी तरफ बढ़ गया। मीरा अपने काम में लगी हुई थी, नील मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसने अब एकदम से मीरा के गाल पर किस किया और उससे थोड़ा दूर होकर खड़ा हो गया। मीरा हैरान नजरों से नील को देखने लगी तो नील ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। तो मीरा ये देख मुस्कुरा उठी, फिर वो कप में चाय छानने लगी। मीरा ने नील की ओर कप बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी चाय। तो नील कप ले लिया और किचन से बाहर चला गया। नील को किचन से निकलते देख सीढ़ियों से नीचे आ रही शारदा जी मुस्कुराई और मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, बस इन दोनों का प्यार यूं ही बना रहे। शारदा जी को देखते ही नील ने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग नानी माँ। शारदा जी भी मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग बेटा। तभी मीरा आई और उसने शारदा जी को भी चाय दिया। मीरा ने शारदा जी की ओर देखकर पूछा, नाना जी एक कमरे में है? शारदा जी कुछ कहती उससे पहले ही प्रताप जी आते हुए बोले, हम यही हैं। मीरा मुस्कुराते हुए उनकी ओर पलटी तो प्रताप जी भी वहीं सोफे पर बैठ गए। मीरा उन्हें भी चाय दी। नील उसे देख रहा था कि सिमी जी और संजीव जी भी आ गए। संजीव जी मुस्कुराते हुए मीरा के सर पे हाथ रखे और बैठ गए। मीरा अब उन दोनों को भी चाय देने लगी। सिमी जी ने बड़े प्यार से कहा, मीरू बैठ जा तू भी। तो मीरा वहीं बैठ गई और अपनी चाय पीने में लग गई और नील उसे देखने लगा। तभी संजीव जी बोले, मीरू बेटा एनजीओ की डोनेशन की बात सुजीता जी से कर लेना। मीरा ने कहा, जी पापा जी। खुराना हाउस में सब ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे तभी विराज दौड़ता हुआ आया। बुआ जी विराज को देख बोले, पुत्र गिर जाएगा। तो विराज बुआ जी को देखने लगा। विराज ने कहा,
बुआ जी मैं नहीं दिलूंगा। तो सब विराज की ओर देखने लगे कि तभी वो युवी के पास आया। विराज ने मुंह बनाते हुए युवी से कहा, पॉप्स आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? तो युवी विराज को उठाकर चेयर पर बिठाया और खाना खिलाने लगा। विराज खाते खाते बोला, भले दादू आज आपके साथ मैं भी ऑफिस जाऊंगा। तो सब मुस्कुराते हुए विराज को देखने लगे। रितेश जी ने बड़े ही प्यार से पूछा, अच्छा आप क्यों जाएंगे? विराज थोड़ा गंभीर स्वर में बोला, मुझे भी तो ताम तरना होगा ना। विराज की बात सुनकर सब मुस्कुरा पड़े। विश्व विराज को देखकर मन में बड़बड़ाते हुए बोले, ये तो ना मुझसे भी ज्यादा नौटंकी है। राजेश जी ने कहा, अरे भाई पहले आप बड़े तो हो जाओ, फिर आप काम सीखना और ऑफिस भी आना। विराज ने एकदम से अपना फैसला बदलते हुए कहा, नहीं मैं तो मामू की तरह बनूंगा वतील। तो सब फिर से विराज की ओर देखने लगे। विराज ने कहा, मैं ना आता हूँ बुई और मामू से मिलते, और खुद ही उतर कर विराज बाहर की तरफ भाग गया। मिशु बड़बड़ाते हुए बोली, ये लड़का कितना नौटंकी है। मिशु की बात सुन सब उसे देखने लगे और ये देखकर उसने मुंह बना लिया। इधर खन्ना हाउस में सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि तभी विराज आया। विराज ने आते हुए कहा, बुई मामू। विराज की आवाज सुनते ही मीरा उठकर उसके पास आई और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। संजीव जी ने मुस्कुराते हुए विराज की ओर देखकर पूछा, क्या बात है आज तो हमारे साहबजादे बड़े खुश लग रहे हैं। विराज मुस्कुराया और बोला, मामू। नील ने प्यार से विराज के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, यस माय चैंप। तभी विराज मासूमियत से बोला, मामू मुझे ना आपकी तरह वतील बनना है। विराज की बात सुनते ही सब मुस्कुराए। नील को भी हल्की सी हंसी आ गई। नील ने प्यार से कहा, वतील चैंप अभी ना आप पहले बड़े तो हो जाओ। विराज समझदारी के साथ बोला, ओके। मीरा और नील अपने कमरे में थे और विराज भी उनके साथ ही था। विराज ने नील के कानों के पास आकर कहा, अच्छा मामू एक सीक्रेट बात बताओ, बुई अब गुच्छा नहीं है ना? तो नील मीरा की ओर देखने लगा और मीरा दोनों को घूरने लगी। मीरा दोनों को घूरते हुए बोली, ये क्या हो रहा है? नील और विराज मीरा को देखने लगे। विराज मासूमियत से बोला, तुझ भी तो नहीं बुई। तो नील हैरानी से विराज को देखने लगा। मीरा ने कहा, अच्छा बच्चू। मीरा इतना बोलकर विराज को गुदगुदी करने लगी तो वो हंसते हुए बेड पर गिर गया। नील और मीरा विराज को देखने लगे। अगले ही पल विराज उठा और उसने नील और मीरा को एक साथ हग कर लिया। ये देख वो दोनों मुस्कुरा उठे। दरवाजे पर खड़ी सिम्मी जी और शारदा जी मुस्कुराते हुए तीनों को देखने लगे। शारदा जी ने नील को निहारते हुए कहा, सिम्मी नील ना मीरा के उसकी जिंदगी में आने के बाद ही इतना खुश है। सिम्मी जी बोली, हाँ माँ बस वाहेगुरु करे दोनों ऐसे ही हमेशा खुश रहे। फिर वो दोनों मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। विराज नील और मीरा से अलग होकर नील को देखते हुए बोला, मामू मुझे आइसक्रीम खानी है। मीरा ये सुन मुस्कुराने लगी। नील ने कहा, ओके चैम देन लेट्स गो। फिर नील उठकर खड़ा हो गया तो विराज उसकी गोद में आ गया। विराज ने मीरा की ओर देखकर कहा, बुई लेट्स गो। तो नील भी मीरा को देखने लगा और वो भी उठकर खड़ी हो गई। तभी विराज ने कहा, मामू बुई आपको पता है मुझे ना? विराज की बात काटते हुए नील और मीरा दोनों एक साथ बोले, चॉकलेट फ्लेवर पसंद है। विराज ये सुन खुश हो गया और उसने नील के गाल पर किस कर दिया। विराज ने कहा, यू आर दी बेस्ट मामू। इतना बोलकर विराज ने मीरा के गाल पर भी किस किया और उसने मीरा से भी कहा, यू आर दी बेस्ट बुई। मीरा और नील दोनों विराज की हरकत पर मुस्कुरा दिए। तभी मीरा ने कहा, एंड यू आर दी क्यूटी पाई माई बॉय। फिर मीरा ने उसके गाल पर किस कर दिया तो विराज ये देख मुस्कुरा दिया। विराज नील और मीरा के साथ चला गया तो वहीं विशु खिड़की से ये देख रही थी, वो भी ये देख मुस्कुराने लगी। विशु खुश होते हुए खुद में ही बोले, वाओ कितने क्यूट लगते हैं ना भाई और मीरू बच्चे के साथ। संजीव जी ऑफिस में अपने केबिन में बैठे हुए थे कि उनके टेबल पर रखा फोन बजा। उन्होंने कॉल रिसीव किया। दूसरी ओर से आवाज आई, समझा ले अपने बेटे को, मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है बचेगा नहीं।
संजीव जी ये सुन थोड़े परेशान हो गए। वो गुस्से से बोले, ये क्या बकवास है, कौन हो तुम? दूसरी ओर से किसी ने कहा, तेरा शुभचिंतक, और बाकी का अपने बेटे से पूछ लेना। इतना कहकर उस शख्स ने फोन रख दिया तो संजीव जी घबरा गए। उन्होंने फौरन नील को कॉल किया। नील मीरा और विराज के साथ आइसक्रीम पार्लर में था। संजीव जी का कॉल देखकर उसने कॉल रिसीव कर लिया। नील ने विराज और मीरा की ओर देखते हुए कहा, यस डैड। संजीव जी ने सीधा सवाल किया, नील तुम कौन सा केस लड़ रहे हो अभी? तो नील को थोड़ा अजीब लगा, पर फिर एकदम से कुछ सोचने लगा। उसने एक नजर मीरा की ओर देखकर कहा, डैड रिलैक्स, शाम को आप आएंगे तब बात करते हैं। नील ने यह कहा तो मीरा उसकी ओर देखने लगी। संजीव जी ने चिंता करते हुए कहा, ओके, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। संजीव जी की बात सुन नील मुस्कुराया। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, डैड रिलैक्स। तो संजीव जी ने कॉल कट कर दिया, पर अभी वो बातें उनके मन में घूम रही थी। मीरा ने नील को फोन जेब में रखता देख झट से सवाल किया, क्या हुआ, क्या कहा पापा जी ने? नील ने मुस्कुराकर बात को टालते हुए कहा, नथिंग, सब ठीक है, यू डोंट वरी। कौन था वो जो संजीव जी को फोन पे धमकी दे रहा था? कहीं वो नील का कोई दुश्मन तो नहीं था? क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज सिर्फ पॉकेट एफएम पर।